नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, उस मेज की कर्णवत लंबाई क्या है। ठीक है, उसने कहा कि एक मेज है और उसकी ऊपरी सतह का परिमाप कितना है 28 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 48 वर्ग मीटर। तो आप बताइए कि उस जो मेज है उसकी कर्णवत लंबाई क्या है, या उस मेज का विकर्ण क्या है, या उस आयत का विकर्ण क्या है। ठीक है, तो हमें उसने यहाँ पर दो चीज दी है, एक तो दिया है परिमाप, परिमाप दिया है 28 मीटर, और दूसरा हमें दिया है क्षेत्रफल जो कि दिया है 48 वर्ग मीटर। ठीक है, जो जो उसने हमको दिया है वो हमने लिख लिया। अब परिमाप दिया है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 28, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 28 भागे दो, दो से कट करेंगे तो कितना आएगा 14, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 14। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है हो गया 48। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने यहां पर लिख ली। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर निकालेंगे। क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर दो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हमने यह सूत्र लगा लिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लेकिन यह लगाया हमने लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में। तो यहां पर हमने लिखा l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एल इंटू बी। ठीक है, अब जिस जिस चीज की हमारे पास वैल्यू है हम वह रख देंगे। यहाँ l प्लस बी की वैल्यू है तो यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, यहाँ टू मल्टीप्लाई एल प्लस बी, एल प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 48। ठीक है, 14 का स्क्वायर करते ही कितना आता है 196, यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ 48 दूनी ए भी 96 हो जाएगा, 96 को इस साइड भेजेंगे तो 196 माइनस 96 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों के स्क्वायर का योग कितना है 100 है। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे विकर्ण या कर्णवत लंबाई या विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर हमारे पास है 100, यह रूट के अंदर आ जाएगा 100, और 100 का रूट कितना होता है 10। तो जो आयताकार मेज है उसके विकर्ण की लंबाई या कर्णवत लंबाई कितनी है 10 मीटर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, इसको आगे सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमारा काम यहीं से बन जाना था, तो हमने यहां तक लगाया और छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां के बाद हमने सूत्र लगा दिया, विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और वो भी रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास 100, तो हमने रूट 100 लिख दिया, रूट 100 का जब हमने किया तो 10 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।